दोस्तों बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक स्टार किड्स आए, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्टिंग अच्छे से आती थी तो कुछ लोग एक्टिंग में जीरो थे। लेकिन इन सभी का एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे कि ये किसी भगवान के अवतार हों। एक्टर चाहे कैसा भी हो, स्टार किड हो या नॉन स्टार किड, अगर उसमें ईगो और एटीट्यूड है तो उसकी बुराई होगी ही, भले ही वो एक्टिंग में कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आज हम जिस कलाकारा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, उसका पूरा खानदान फिल्मों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो भी बचपन से ही फिल्मों में आने के सपने देखने लगी थी और टीनेज में ही उसने फिल्मों में डेब्यू कर दिया था। ये एक्ट्रेस है काजोल। काजोल एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करती है। काजोल का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में। काजोल की माँ का नाम तनुजा है जो कि एक एक्ट्रेस है। पिता का नाम सोमू मुखर्जी जो कि एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। काजोल के पिता की 2008 में ही मौत हो चुकी है। काजोल की एक छोटी बहन है जिसका नाम है तनीषा, वो भी एक एक्ट्रेस है। काजोल के मौसी का नाम नूतन है, वो भी एक उम्दा एक्ट्रेस थी। काजोल की नानी और पर नानी भी फिल्मों से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा पिता की तरफ से रिश्तेदारों की बात की जाए तो काजोल के दोनों चाचा फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वहीं काजोल के नाना और दादा दोनों भी फिल्म मेकर्स रह चुके हैं। रानी मुखर्जी, शर्बानी मुखर्जी जो कि एक्ट्रेसेस हैं, वो दोनों भी काजोल की कजिन हैं। फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी काजोल का कजिन लगता है। यानी काजोल की माँ और पिता की तरफ से ज्यादातर रिश्तेदार फिल्मों के कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। यही कारण था कि काजोल को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला था। काजोल पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। काजोल की शुरुआती पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल से हुई थी और उसे बचपन से ही डांस का काफी ज्यादा शौक था। काजोल जब 10th क्लास में थी तभी उसकी माँ उसके लिए एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहती थी जिसमें काजोल को लॉन्च किया जाना था। फिल्म शुरू भी हो गई थी लेकिन फिल्म की कुछ दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म को किसी वजह से बंद कर दिया गया। इसके बाद साल 1990 में ही जब काजोल 16 साल की थी तभी उसे राहुल रवेल की फिल्म बेखुदी मिल गई। फिल्म बेखुदी के समय काजोल 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो गर्मियों की छुट्टियों में घर पर आई हुई थी, तभी उसे फिल्म बेखुदी मिल गई। इस फिल्म में काजोल के ऑपोजिट कमल सरदाना लीड रोल में था। काजोल को अपनी पहली फिल्म घर बैठे बिठाए मिल गई तो उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। काजोल के एजुकेशन की बात की जाए तो काजोल सिर्फ 9th क्लास पास है, इससे आगे उसने पढ़ाई नहीं की। फिल्म बेखुदी बनी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 1993 में काजोल ने फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान के साथ काम किया और पहली बार काजोल ने सफलता का स्वाद चखा। बाजीगर एक बड़ी हिट मूवी थी और इसी फिल्म के बाद काजोल रातों रात पॉपुलर हो गई थी। इसके बाद काजोल और शाहरुख खान ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और करियर में आगे बढ़े। इन्हीं दिनों ये खबरें भी मीडिया में आने लगी थी कि काजोल और शाहरुख खान का अफेयर चल रहा है। हालांकि इन दोनों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग ऐसी थी कि ये लोगों की नजरों में सबसे ज्यादा आने लगे थे और लोगों के चर्चा का विषय बन गए थे। शाहरुख खान के बाद काजोल का अफेयर चला साउथ एक्टर कार्तिक के साथ। कार्तिक और काजोल दोनों लगभग 2 साल तक साथ रहे और उसके बाद इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। काजोल के फिल्मी करियर की बात की जाए तो काजोल ने बाजीगर के बाद ये दिल लगी, करण अर्जुन, हलचल और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। काजोल की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था शाहरुख खान के साथ। काजोल हिंदी फिल्मों में अच्छा काम कर रही थी कि तभी उसने तमिल फिल्मों में डेब्यू करके सबको चौंका दिया। साल 1997 में काजोल ने तमिल फिल्मों में डेब्यू कर लिया। साल 1997 में काजोल ने बॉबी देओल के साथ फिल्म गुप्त में साइड रोल प्ले किया था। इस फिल्म में काजोल का रोल एक नेगेटिव रोल था और इस फिल्म के लिए काजोल को नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। फिल्म गुप्त के दौरान मीडिया में ये खबरें भी आ रही थी कि काजोल और बॉबी देओल का अफेयर शुरू हो गया है। हालांकि इन दोनों का अफेयर बहुत कम समय के लिए ही रहा था और इसकी चर्चा भी काफी कम समय के लिए हुई थी। बॉबी देओल के बाद काजोल की लाइफ में आया अजय देवगन। अजय देवगन और काजोल की सबसे पहली मुलाकात हुई साल 1995 में फिल्म हलचल और गुंडा राज के दौरान। लेकिन उस समय इन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं हुआ था, उस समय ये दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन बॉबी देओल के बाद काजोल और अजय देवगन एक दूसरे के नजदीक आते गए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसके बाद 1999 में अजय और काजोल ने शादी कर ली। अजय देवगन ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि इनकी शादी में ज्यादा तामझाम नहीं हुआ था। इनकी शादी उनके घर की छत पर हुई थी
वो घर के बेडरूम से निकलकर छत पर गए और फिर शादी के बाद वापस बेडरूम में लौट आए। शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए। शादी के बाद काजोल ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और साल में एक या दो फिल्में ही करती थी। काजोल ने 1999 तक लगातार काम किया था। काजोल कभी भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं थी, उसकी एक्टिंग हमेशा एवरेज रही है। काजोल ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है, एक दो फिल्मों को छोड़कर सभी मेल सेंट्रिक फिल्में थीं। काजोल का रोल उनमें ज्यादा बड़ा नहीं होता था और न ही ज्यादा दमदार होता था, लेकिन फिर भी काजोल का एटीट्यूड ऐसा होता था जैसे पूरी फिल्म उसी के कैरेक्टर पर आधारित हो। काजोल बहुत ही घमंडी और बदतमीज औरत मानी जाती है और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। सिर्फ काजोल ही नहीं, काजोल की माँ तनुजा भी काजोल की तरह एक घमंडी औरत है। काजोल काफी मुंहफट एक्ट्रेस मानी जाती है, वो किसी की भी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती। काजोल के इसी व्यवहार की वजह से उसके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल चुकी हैं, जिनमें वीर ज़ारा और चलते चलते भी शामिल हैं। काजोल अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करती है। काजोल शुरू से ही चुगलखोर औरत करण जौहर ग्रुप का हिस्सा रही है। वो करण जौहर की ज्यादातर फिल्मों में दिखाई देती थी, चाहे लीड रोल में या गेस्ट रोल में। लेकिन फिल्म शिवाय और ऐ दिल है मुश्किल रिलीज के समय अजय और करण जौहर में विवाद हो गया था, जिससे इन दोनों की दोस्ती कुछ समय के लिए टूट गई। लेकिन कुछ समय बाद ही काजोल ने आंटी करण जौहर से फिर से दोस्ती कर ली, जबकि अजय देवगन आज तक करण जौहर को अपना दुश्मन ही मानता है। काजोल करण जौहर ग्रुप का हिस्सा रही है और यही वजह रही है कि काजोल करण जौहर की पार्टियों में भी हिस्सा लेती रही है। काजोल की पार्टीज में कई बार नशे में धुत हालत में फोटो सामने आती रही हैं। काजोल काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और अगर ड्रग्स भी लेती हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि करण जौहर के ग्रुप में हर शख्स ड्रग्स लेता ही है। शादी के बाद काजोल ने बहुत कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन कहा जाता है कि काजोल और शाहरुख खान की बॉन्डिंग से अजय देवगन भी काफी ज्यादा नाराज रहता था। शादी के बाद अजय देवगन ने काजोल को शाहरुख के साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन काजोल ने अपने डूबते करियर का हवाला देकर शाहरुख खान के साथ काम करने की परमिशन ले ली थी। काजोल ने शाहरुख के साथ कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्मों में काम किया है। शादी के बाद काजोल जितनी अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहती है, उतना ही वो अपने व्यवहार की वजह से भी चर्चा में रहती है। काजोल ने एक बार गुस्से में अपने एक फैन को थप्पड़ भी मार दिया था। उस फैन की गलती इतनी थी कि वो काजोल के साथ एक फोटो लेना चाहती थी, जो काजोल को पसंद नहीं आया और काजोल ने थप्पड़ मार दिया। ये काजोल की शादी से पहले का मामला है। काजोल इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं जितनी बड़ी वो घमंडी और बदतमीज है। यही कारण है कि वो अपने अहंकार की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती है। काजोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज़ बनें।